उनको मुझे जस्टिस तभी मुझे लगेगा मुझे मिला है अगर उनको पूरा जॉब से उनके HOD पोस्ट में है उनको वहाँ से निकाला जाए, ताकि उनको कुछ भी वो कुछ कर नहीं पाए जो उन्होंने मेरे साथ किया है वो, ताकि बाकी जितने भी स्टूडेंट्स जूनियर्स जितने भी एडमिशन लेंगे उनके साथ ऐसा टाइप का ना हो, मुझे मेरे जैसा सेक्सुअली हैरेसमेंट जैसा केस मेरे साथ हुआ है वैसा उनको सफ़र ना करना पड़े। मेरे जूनियर्स लोग जो है उनको तो बहुत सारा चीज़ पता नहीं है, बहुत सारे ऐसे हैं जो पास आउट हो गए सफ़र करके गए हैं ताकि उनको फॉर द सेक ऑफ डिग्री फॉर द सेक ऑफ करियर, लेकिन मेरा कहना यही है कि वो जितने भी जूनियर्स यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं वो अपने डिजर्विंग मार्क्स के साथ यहाँ से पास आउट होके जाए, कोई यहाँ पे पॉलिटिक्स ना हो और ना ही ऐसे हैरेसमेंट हो। लड़की से हमने स्टूडेंट से बात की है, वो भी चाहते हैं कि इनको इस कॉलेज से निकाला जाए। वो भी हमारा भी डिमांड है कि वो इस यूनिवर्सिटी कैंपस से निकाल दिया जाए, उनसे जो नौकरी है वहाँ से उनको डिसमिस किया जाए, क्योंकि ऐसे क्रिमिनल को यूनिवर्सिटी कैंपस में रहने देना मतलब ऐसे जो उनके मन में जो प्रवृत्ति है ऐसे उस प्रवृत्ति को बढ़ाना है। तो हमारा भी यही कहना था, इसी डिमांड को लेकर कल भी गैदरिंग हुआ, कल रजिस्ट्रार BC से मिले तो वहाँ से उनको HOD शिप से हटाया गया, रिमूवल ऑर्डर आया और एक दूसरे को HOD शिप दिया गया। लेकिन आज सुबह का जो अपडेट हमारे पास है, सुदीप्त सरकार को अथॉरिटी ने लीव पे भेज दिया। हम लोगों को मालूम ही नहीं पड़ रहा ऐसे क्रिमिनल को अथॉरिटी लीव में क्यों भेज रहा है, और जो HOD होना चाहिए जिनके नाम से ऑर्डर निकला वो तो है नहीं, सरकार के कोई क्लोज है सेट्टी सर वही आज HOD शिप में काम कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं पूरा अथॉरिटी मिलके सरकार को बचाने का कोशिश कर रहे हैं, सरकार सर को जो ही एक शर्मनाक है। और इसको लेके आज भी गैदरिंग हुआ, आज भी हम लोग गए कि आप लीव पे कैसे भेज सकते ऐसे क्वेश्चन, जबकि अथॉरिटी के पास कुछ भी आंसर नहीं था। तो हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया उनको कि आने वाला जो सोमवार है 12 बजे तक आप उसका सस्पेंशन का ऑर्डर निकालेंगे, क्या करना है आप वो अथॉरिटी प्रोसीजर मेंटेन करेगा, 12 बजे के अंदर में अगर ऑर्डर नहीं निकला तो दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव जस्टिस टू आवर सिस्टर्स। तो हमारे पास जितना भी राइट्स है सारे राइट को हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, और इसके लिए हम लोगों को मीडिया का हेल्प चाहिए। हम लोग अभी सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के थ्रू जा रहे हैं, रीजनल इशू को नेशनल इशू बना रहे, ताकि हम लोगों को ऊपर से भी सपोर्ट मिले। इवन हमारे जो भी स्टूडेंट ट्विटर हैंडल करते हैं वो सारे लोग आज शाम से बैठ के PMO और प्रेसिडेंट ऑफिस में भी ट्वीट करने वाले हैं। www.anyindianews.com आपुनी विजिट करक प्रतिटो न्यूज, आमार फेसबुक पेज एनी इंडिया न्यूज फॉलो करक आरो विजिट करक anyindianews.com।